महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा देने वालों में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान अब दूसरा राज्य बन गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने के प्रावधान वाला दंड विधेयक संशोधन विधेयक 2018 विधानसभा में पारित हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बिल को मंजूरी दी थी। राजस्थान में बलात्कारियों को मिलेगी अब फांसी की सजा। दंड विधेय संशोधन विधेयक 2018 विधानसभा से पास। आईपीसी की धारा 36 में किया गया बदलाव। धारा 376 AA और धारा 376 DD जोड़ी गई। 12 वर्ष या कम उम्र की बालिकाओं के मामले में लागू होगा कानून। आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी मिलेगी फांसी। राजस्थान में अब 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी। बजट भाषण के दौरान सीएम वसुंधरा राजे की घोषणा के साथ आईपीसी की धारा 376 में बदलाव के लिए विधानसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया है। नए विधेयक में धारा 376 के साथ धारा 376 AA और 376 DD दो धाराओं को जोड़कर दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान किया है। अब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। समय 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था। वहाँ का जो एक एडवोकेट एसोसिएशन है, महिला एडवोकेट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक मिश्रा जी के कोर्ट में लगाया और मिश्रा जी ने 11/1/16 को एक फैसला दिया कि पार्लियामेंट को इनको इस पर कोई कानून बनाए। पार्लियामेंट ने तो कानून नहीं बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसने पहल की और मध्य प्रदेश ने एक कानून बनाया। उसी तर्ज पर हमने भी इस कानून को वापस बना करके इसमें दो अमेंडमेंट हमने किए। एक तो 376 का जो पहले ही था उसमें यह था कि उसमें सारी महिलाओं के खिलाफ जो भी इस प्रकार का अपराध होता था उसके अंदर सजा का प्रावधान। हमने 12 साल से जो छोटी बच्चियां हैं उसके लिए उसी 376 क जोड़ दिया, उसमें मृत्यु दंड भी जोड़ लिया और 14 वर्ष से अधिक की सजा, और सजा होने के बाद ताजीवन वो जेल से बाहर नहीं निकल सके। दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश बन गया है। देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस कानून को पारित किया गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इस नए कानून लाने की घोषणा का आम जन ने स्वागत किया है। खास तौर से महिलाओं ने बिल का जोरदार स्वागत किया। मौजूदा समय में राजस्थान में दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, लिहाजा कानूनविद भी ऐसे सख्त कानून की जरूरत महसूस करने लगे थे। वहीं कांग्रेस ने कानून को 4 साल बाद लाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। 12 साल की मासूम बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में एक कानून पास किया गया विधानसभा में जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। अच्छा होता कि सरकार इससे ऊपर की आयु की बच्चियों और महिलाओं के लिए भी ऐसे कानून को पारित करती। और दूसरी बात यह कि सिर्फ कानून बनाने से ही हमें समझ रहे हैं कि जो अपराधी हैं, काम पुरुष हैं, पार्श्व प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हौसले पस्त होंगे। उसके लिए आवश्यकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति हो, प्रशासन में सजगता हो, क्योंकि ऐसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बड़ा महत्व होता है और उसके बिना दुष्कर्म के मामले को स्थापित करना न्यायालय में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार के स्तर पर कानून की एक बात को महसूस करवाने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। और एक शंका इसलिए भी है कि एक ऐसा ही कानून मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया था, लेकिन एक वर्ष हो गया केंद्र से इसको स्वीकृति नहीं मिली। दुष्कर्म के मामले में नए कानून के प्रावधान के साथ ही अब महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों में कमी आने की उम्मीद है। विधानसभा में बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार रहेगा। ये अलग बात है कि अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से पारित बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली है।